ॐ नीलाञ्जनसमभासं रविपुत्रं जमग्रजं छायमर्तण्डसम्भुतं तं नमामि सनिश्चरं नमामि सनिश्चरं नमामि सनिश्चरं। नमस्कार। दूरदृष्टि ओडिया द्वारा प्रस्तुत वार्षिक राशिफल 2023 को आपको स्वागत। दर्शक बंधु, मुँ आपर प्रिय ज्योतिर्विद पंडित श्री अशोक कुमार महापात्र आज आपन को कह 2023 वर्षर मकर राशि वार्षिक राशिफल। दर्शक बंधु, मकर राशि जितने व्यक्तिशेष महिला प्रायतः देवगुरु बृहस्पति आशीर्वाद आपण प्रायतः 2022 वर्ष 2023 मसीहा कम्प्लीट पर्यंत आपण मानक मध्यम फल प्राप्तिर जोग अछि। देवगुरु बृहस्पति तृतीय स्थान रे थिले, पुनश्च चतुर्थ स्थान को आसीबे। आसंता 2023 मसीहा एप्रिल मास 23 तारीख परठारु आपणक भाग्य जोग आकाश रे किछ ना किछ कला बादल देखा दबो। सतर्कता निहायती अवलम्बन करिवे, काहेकि ना रिष्ट तो रिष्ट, कष्ट तो कष्ट। तेणुकरि स्थान द्वितीय, पंचम, सप्तम, नवम, एकादश कारक बृहस्पति शुभ कारक, अन्यत्र अशुभ। तेणु मकर राशि पर चतुर्थ स्थान को बृहस्पति आसुंच, तेणुक प्रारंभ आपण रिष्ट कष्ट भितर समय कटिबो, मान सम्मान हानि हेबो, आर्थिक कष्ट घाँटी हेबे, स्वास्थ्य जनित समस्या, पीड़ा, गुप्त शत्रु वृद्धि, सरल सुजोगर फायदा हासिल करिबे, अजणाशुणा लोक दाउ साधिबे, पारिवारिक दुख मध्यम बढ़िबो, पिलामानक दुख बढ़िबो, चाकरी बाकरी हाथ मुठारु जोड़ा चलीजिबो एवं किसी ना किसी हईराण हरकत भितर समय कटे बेले। आसंता 2023 मसीहा एप्रिल मास पर आपण भाग्य पुनः चतुर्थ स्थान बृहस्पति प्रवेश करेंगे, जो थे आपणकर प्रत्येक दरदर मुहूर्त आपन कहपर कि सहीपर चोरमा जदि कांदे दुआर दी कांदा स्वरूप मनर कथा को बुझे निजे निज दुख ही पीजे आपणार लोक मैंने आपण को दाउसा देवे आपण को बुझीपरें ना संचित अर्थ नष्ट पारिवारिक दुख बढ़ गुप्त शत्रु जाग्रत हे जगा जमी भूमि कारबार विफलता नैराश्य और बड़ धरणर रोग व्याधि पीड़ा सामिल हे मेडिकल मेडिसिन द्वारा उपचिकित्सित होगा चेष्टा करेंगे। प्रत्येक आपण पाद तलू मटी खसीगला भाई मन हे कि वर्षर मध्यम भाग आड़ी आपणकर कर्म क्षेत्र में परिवर्तन तो आसीबो, पारिवारिक सुख समृद्धि मिल व्यवसाय वाणिज्य एक प्रकार फलाफल पाइबे एवं अजणाशुणा लोक मैंने जदि भी साहय सहयोग करेंगे मन भितर छलना रखिए एवं संचित अर्थ नष्ट बाकी धार कर्ज ऋणग्रस्त जीवन आपड़ काटे व्यवसाय वाणिज्य में मध्यम फल प्राप्ति हे विदेश में ठकी हेबार जोग अच्छी पाठपढ़ा क्षेत्र को नहीं छात्र छात्री मैंने अहेतुक विलंब हे गुरुजन कथ मान लें बहुत बढ़िया निज प्रति ध्यान दिंतु अलसमीपूर्ण परिहार करूँ आनंद परिश्रम करूँ निश्चित भाव में मंगलमय जोग आसो कि बर्षर मध्यभाग आड़ी जोटा कि जून जुलाई अगस्ट बेलू तो बातपित्त कफजात रोग में आप आक्रांत हे पेट फुला जत बेमारी देखादेव चर्मजात रोग में आक्रांत हे मुंड व्यथा आंठूगंठी दरज यह सब पीड़ार मध्य आप सामिल हे मंगल रिष्ट आप रही किंतु हेले भी उपयुक्त चिकित्सा आपण सहित जदि आप प्रत्येक दैनदिन सका सका खाली पाद जात्रा करेंगे निश्चय भाव में मंगलमय हे कि वर्षर शेष भाग आड़ी आपणकर मानहानि एवं विशेषकर जगा जमी उपर ठकी हेबार जोग अच्छी एवं जानवाहन दुर्घटनाग्रस्त हेब प्रत्येक स्वर्ण आदि आभूषण नष्ट होबार संभावना मूल्यवान द्रव्य हाथ छड़ा हेब कर्ममय जीवन अशांति बेकारी बढ़िब रोजगार जीवन को नहीं आप दुख करेंगे पितृमात्र अशांति हे कहीं कहीं कुलदेवता मानक आपण जोड़ा कि निश्चित भाव में विश्वास करेंगे ना एवं कुठारघात कला भाई शब्द मान प्रयोग करेंगे मन प्रकृति में परिवर्तन तो आसब चिड़चिड़ा स्वभाव परिलक्षित हेब वो प्रेम जातीय व्यापार में फाट सृष्टि हेबो झीव मैंने आपण ब्रेकअप ने विशेषकर प्रत्येक क्षेत्र में क्षय क्षति घटवर मध्य संभावना अच्छी तथापि शुभफल तो निहाती जदि भी जगन्नाथ दौरान ग्रहण करेंगे कितना कौन से अशुभतरी वर्ष सारा रक्षा पाइप मकर राशि प्रत्येक व्यक्ति विशेष महिला मैंने वर्ष सारा प्रातः स्नान पर आपणकर शुभ रंग हूँ ब्लू कलर जोटे स्काय ब्लू आकाश नील रंगर वस्त्र पोषाक परिधान पूर्वक जदि आपण पारुछंती शनिदेव उद्देश्य प्रत्येक शनिवार संध्यारे आपण माँ पार्वती पाखे राशि तेल दीपटी अर्पण करूँ कला दीप सहित एवं कला कुकुर कला काउ एम खाद्य अर्पण करूँ शनिवार दिन कुष्ठ रोगी को द्वार मुख सम्मुखें आमिष भोजन दिंतु एवं विशेषकर आपण शनिदेव उद्देश्य श्वेत जोड़ा अपराजिता एवं श्वेत अरख यह सब पुष्प प्रदान करूँ
ଏବଂ ଶନିଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଶନି ମେଳା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ଗୃହରେ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ଜୀବନ କାଟିବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ରୂପ ନେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଆଇନ କାନୁନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁଥିରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ଦେଖିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2023 ବର୍ଷର ମକର ରାଶିର ବାର୍ଷିକ ରାଶିଫଳ। ରାଶିଫଳ ତ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ, ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଏବଂ ଦୟାକରିକି ଆପଣ ଆମର ଦୁର୍ଗା ଯେଉଁଟାକି ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର ମାରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିଲେ ଆମେ ଆହୁରି ଅନେକ ଆଶାରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିବୁ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜସ୍ୱ ମତାମତ କିଛି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ତ ଆଶା କରୁଛି 2023 ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଜଗତନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦିନ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଭଲରେ ଭଲରେ କଟୁ। ଏତିକି କହି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି, ବିଦାୟ ନେଉଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଠିକ୍ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଓଡ଼ିଆରେ। ଆଜି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏତିକି, ନମସ୍କାର।